सिखों के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब का रास्ता एक बार फिर खुल गया है। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से सिख समुदाय के श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉरिडोर का इतिहास क्या है, क्यों ये कॉरिडोर सिख समुदाय के लिए इतना अहम है? दरअसल करतारपुर कॉरिडोर भारत में मौजूद बाबा डेरा नानक को पाकिस्तान के नरोवाल में मौजूद करतारपुर साहिब से जोड़ता है, जो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक जी का निवास स्थान था और यहीं पर उनका निधन भी हुआ था। माना जाता है कि 1522 में सिखों के गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल यहीं बिताए थे। बंटवारे के बाद करतारपुर गुरुद्वारा पाकिस्तान के हिस्से चला गया। कॉरिडोर बनने से पहले तक भारतीय सिख श्रद्धालु डेरा बाबा नानक में बॉर्डर के पास लगी दूरबीन के जरिए इस गुरु घर के दर्शन करते थे। रावी नदी में बाढ़ आने पर करतारपुर साहिब के वास्तविक ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। इस ढांचे का पुनर्निर्माण कैप्टन अरिमंदर सिंह के दादा और पटियाला के तत्कालीन राजा भूपिंदर सिंह ने कराया। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस गुरुद्वारे को बंद कर दिया गया। 90 के दशक तक तो इसकी इमारत बहुत खराब हो गई थी। सिख श्रद्धालुओं की वर्षों से पाकिस्तान से मांग थी कि वो दरबार साहिब के खुले दर्शन की अनुमति दे, और लोगों की भावनाओं को देखते हुए 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर गए थे तो पहली बार करतारपुर कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। तब पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार के सामने गुरुद्वारे की मरम्मत का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सालों तक इसके निर्माण का काम चलता रहा। बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित पवित्र गुरुद्वारे को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। भारत में 26 नवंबर 2018 को, पाकिस्तान में 28 नवंबर 2018 को कॉरिडोर की नींव रखी गई। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर 9 नवंबर 2019 को इसे जनता को समर्पित कर दिया गया। इसी तरह से खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।